वालेकुम आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स का आज से हम अपनी एक्साइटिंग जर्नी का फॉर्मली आगाज करते हैं और वो जर्नी है इन टू क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स, विच इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस लेकिन जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था हम फॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के मतलब मैनिपुलेट करना जो है वो सीखेंगे और देखेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं आइए पहले हम क्लास की डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं एक लिहाज से आप क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ लेक्चर्स पहले हमने बात की थी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्ट की की और उसके अंदर हमने किया क्या था कि जी कुछ डेटा वेरिएबल्स लेके उनको ग्रुप करके उनको एक नाम दे दिया था क्लास जो है वो स्ट्रक्चर का वेरी क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास बेसिकली क्लास करती क्या है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर ले कर यानी एक दो तीन चार वेरिएबल्स पॉइंटर्स एरेज उनको ले कर उसके साथ कुछ फंक्शनस को इंक्लूड कर लेती है और वह फंक्शनस जो हैं ये इन ही वेरिएबल्स को नॉर्मली मेनिपुलेट करने के लिए, लिए लिखे जाते हैं सो अ क्लास इंक्लूड्स बोथ डेटा मेबर्स एज वेल एज फंक्शन टू मैनिपुलेट दैट डेटा और इन फंक्शंस को भी हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं या इनको नॉर्मल या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर इनको मेथड्स भी कहा जाता है सो अ क्लास हैज़ डेटा विच इज़ द वेरिएबल्स एंड इट हैज़ फंक्शंस टू मैनिपुलेट दैट डेटा अब क्लास चीज़ क्या है सिंपली पुट अ क्लास इज़ लाइक अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप इन अ वे लैंग्वेज को एक्सपेंड कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जी एक नई डेटा टाइप हमने इंट्रोड्यूस कर दी जिसके ज़रिए से हम नए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स हमने तो कहा है जी क्लास के अंदर जो है वो तीन चार पाँच किस्म के वेरिएबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं सो हम जब क्लास के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ ऑब्जेक्ट्स सो द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स यानी क्लास इज़ नाउ अ डेटा टाइप लाइक इंट डबल फ्लोट इसी तरह एक डेटा टाइप बन गई और जब हम इंट के साथ आई करते थे तो आई वॉज एन इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप कॉल्ड इंटेजर जब क्लास के साथ हम कोई भी वेरिएबल नेम देंगे तो दैट विल बिकम एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास और इस इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं सो लेट्स टेक अ लुक नाउ एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास लिखा कैसे जाता है क्लास का स्ट्रक्चर इट इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्ट की वर्ड हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं क्लास और फिर क्लास का नाम लिखते हैं उसके बाद ब्रेसेस के अंदर क्लास की डेफिनेशन आती है अब डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने गौर करनी है और वही आज के लेक्चर का मौजू है बेसिकली हम एक कोई टिपिकल क्लास ले लेंगे और फिर उसको उधेड़ उधेड के देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर की पहले थोड़ी सी फिर फिलॉसफी की बात होती चले कि जी क्लास हम ला क्यों रहे हैं किस वास्ते इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि एक डेटा को हमने किसी तरीके से ग्रुप किया है इकट्ठा और फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे तो इकट्ठा मैनिपुलेट होगा वो डेटा दूसरा जैसे स्ट्रक्चर के साथ भी हमने किया था कि जिस स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तो हम एक्सेस कर लेते थे हमने अगर स्ट्रक्चर कोई लिख दिया डेट स्ट्रक्चर उसके अंदर तीन एलिमेंट्स दे दिए इंट डे इंट मंथ और इंट ईयर और फिर हमने एक वेरिएबल Which is now we are calling it an object of that structure create किया let's call it my date. तो हमने अगर उसके मंथ को इस्तेमाल करना है तो हम लिखते थे my date dot month. So डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन और फिर उसको इक्वल टू 1 कर दें या उसको किसी computation में इस्तेमाल कर लें इसी तरह हम लिखते थे my date dot day या my date dot year. So we use the dot operator.

ये ख्याल रखें क्लास का नाम नहीं आएगा यानी उस क्लास का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल के जी हमने एक क्लास लिखनी है वो भी डेट क्लास है सो so, डेट क्लास के अंदर हमने वही डेटा मेंबर्स इस्तेमाल करने हैं कि जी इंट होगा फॉर डे इंट होगा फॉर मंथ और इंट होगा फॉर ईयर इस्तेमाल करते वक्त और क्लास का नाम हमने दे दिया डेट जब हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट को अपना नाम दिया हमने लिखा अपने मेन प्रोग्राम के अंदर डेट माई डेट अब अगर इससे मैं उसका डे मंथ ईयर इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो वही स्ट्रक्ट वाला डॉट ऑपरेटर चलेगा आई विल से माई डेट डॉट डे माई डेट डॉट मंथ माई डेट डॉट ईयर और उसको कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करूँ या अदरवाइज नाउ वॉट इज़ द डिफरेंस ओके द डिफरेंस इज द विजिबिलिटी ऑफ द डेटा मेम्बर्स वॉट डू वी मीन बाई विजिबिलिटी देखिए जो सबसे बड़ा मसला आता है हमें और वो बार बार ओकेजनली उसका जिक्र होता रहा है वो है साइड इफ़ेक्ट्स का साइड इफ़ेक्ट का एक एग्ज़ाम्पल लेके उसको क्लियर कर लिया जाए सपोज़ हमने एक इंट डिक्लेयर किया हुआ है आई के नाम से अपने प्रोग्राम के अंदर इसमें वी आर गोइंग टू कॉन्वेंशनल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आई को हम इस्तेमाल करते आए एक जगह पे हमने कहा कि जनाब आई में आज का टैक्स रेट स्टोर कर दो सपोज़ हम पेरोल कैलकुलेशन कर रहे हैं और टैक्स रेट है फाइव परसेंट तो हमने आई इक्वल टू फाइव कर दिया अब प्रोग्राम चलता गया एक सफ़ा ख़त्म हुआ दूसरे जगह नीचे जाके हमने कोई लूप चलानी थी लूप ने हमने लिख दिया फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन हंड्रेड डू समथिंग और लूप से निकल आए फिर प्रोग्राम चलता रहा और चौथे पाँचवें सफ़े पर जाके हमने कहा कि जनाब टैक्स डिडक्टेड इज़ इक्वल टू टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाई सैलरी और ये भूल गए कि जी हमने टैक्स रेट जो है वो तो आई में रखा था तो हमने आई लिख के उसके साथ कंप्यूटेशन कर दी जो चीज़ भूले कि जी दरमियान में आई तो हमने लूप के लिए इस्तेमाल कर लिया था अब व्हाट हैपन वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आई वाज लॉस्ट लूप के साथ आई की वैल्यू बदल गई इस लूप को अगर ले लें फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस दैन हंड्रेड तो जब लूप एग्जिट करेगी आई की वैल्यू हंड्रेड होगी और यहाँ पर जाके हमने कई सफ़ों बाद जाके टैक्स कैलकुलेट किया तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया बैड साइड इफ़ेक्ट ना इसको ऑब्वियसली बाकी सारे हम जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं उनको अप्लाई करके इस प्रॉब्लम से हम निजात तो हासिल कर सकते हैं कि जी आई क्यों रखा उसका तो नाम टैक्स रेट होना चाहिए था ठीक है होना चाहिए था पर है तो वो इंट इंट है और वो विज़िबल है आपके प्रोग्राम के अंदर तो कोई भी और हिस्सा प्रोग्राम कोड का उसकी वैल्यू बदल सकता है उसको हाथ लगा सकता है द डेटा इज़ ओपन टू एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे वो डेटा नज़र आता है विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर हम चाहते हैं कि किसी तरह डेटा इनकेप्सुलेट हो जाए हाइड हो जाए छुप जाए डेटा को हम हाथ ना लगा सकें हाँ डेटा को इस्तेमाल ज़रूर कर सकें अब भाई हाथ लगाना और इस्तेमाल करना हाउ डू दे डिफ़र वह well, दो तीन चीज़ें हैं इसको अगर कोई रियल वर्ल्ड का आप एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो देखें मैंने घड़ी पहनी हुई है अब घड़ी का टाइम एडजस्ट होने वाला है हाउ डू आई एडजस्ट द टाइम नाउ इफ़ आई लिव इन द स्टोन एजेस एंड देवर वॉचेज इन द स्टोन एजेस मैं शायद शीशा तोड़ के उतारता और सुइयों को ना घुमा के हाथ से टाइम एडजस्ट कर देता दूसरा तरीका जो है उन्होंने इसके साथ एक बटन भी दिया हुआ है जी बटन इस्तेमाल करें और इसको घुमाएंगे तो सुइयां खुद ही हिल जाएंगी दिस इज़ द एग्जाम्पल विच आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि एक किस्म की एनकेप्सुलेशन हुई हुई है सुइयां नज़र तो आती हैं मैं उनको हाथ नहीं लगा सकता हाथ लगाने के लिए एक खास दरवाज़ा उन्होंने छोड़ा हुआ है जब भी हम क्लास की बात करेंगे वी हैव टू थिंक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि जी डेटा इज अवेलेबल समवेयर बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितनी गरारियाँ लगी हुई हैं कितने स्प्रिंग हैं कोई बैटरी है आजकल की घड़ियों के अंदर वट एवर इन साइड का मुझे कुछ पता नहीं है ऑल आई नो इज़ कि इस घड़ी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ हुआ है मैं उसको देख नहीं सकता मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता लेकिन मैं इसका इंटरफेस देख सकता हूँ यदि सुइयाँ मुझे नज़र आती हैं जिससे मैं टाइम पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता अगर मैंने टाइम एडजस्ट करना है तो मेरे पास एक खास मेकनिज़म है जिससे मैं टाइम एडजस्ट करूँगा सो इट्स अ नाइस सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से ये काम किया गया है वो छुपाया हुआ है किस तरह करना है इंटरफेस वो जो चीज़ मुझे नज़र आती है अलाउ अलाउस टू डू दैट हाउ डू दे डू दिस लेट्स टेक अ लुक एट द इनसाइड ऑफ द क्लास आज के लिए हमने एक क्लास चूज़ की है डेट की जिसका पहले मैंने जिक्र किया क्या इसके अंदर जो मैंने डेटा डिफाइन किया है इंट डे इंट मंथ इंट ईयर, मैं इसके ऑब्जेक्ट को लेके क्या मैं डे की वैल्यू सेट कर सकता हूँ मंथ की वैल्यू सेट कर सकता हूँ या ईयर की वैल्यू सेट कर सकता हूँ द आंसर इज आई कैन नॉट डू समथिंग लाइक माई डेट डॉट मंथ एक वाई नॉट आप ट्राई करके देखें ये चार लाइनों की एक क्लास लिखें और नीचे जाके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें डिक्लेयर करें डेट माई डेट और कहें माई डेट डॉट मंथ इक्वल टू तो टेन कंपाइलर ही नहीं आगे जाएगा कहेगा जी माई डेट डॉट मंथ ये मंथ क्या चीज़ है मंथ उसको नज़र नहीं आता क्यों नहीं नज़र आता डिफॉल्ट विजिबिलिटी फॉर द डेटा मेम्बर्स इन अ क्लास इज़ वॉट वी कॉल प्राइवेट वो क्लास के अंदर का हिस्सा है वो बाहर के इस्तेमाल के लिए नहीं है सो देर इज़ अ डिफरेंस नाउ कि जी हम कोड लिखते हुए तो सारा कुछ लिख रहे हैं सामने हमें नज़र आ रहा है लेकिन जब इस्तेमाल करने जाएं तो वो कहता है कि जी ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है ये तो अंदर कहीं पड़ा हुआ है ये ख्याल रखिए कि डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ ऑल डेटा एंड फंक्शंस इनसाइड अ क्लास इज़ हिडन इट्स प्राइवेट सो मैं प्राइवेट का जिक्र कर रहा हूँ ऑबियसली प्राइवेट इज़ अ की वर्ड ऑल्सो प्राइवेट का ऑपोजिट क्या होगा दूसरी साइड क्या होगी हम इसको हाथ लगाना चाहते हैं हम इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसके लिए कीवर्ड है पब्लिक सो क्लास की डेफिनेशन के अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखते और डेटा डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं या फंक्शंस डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होंगे लेकिन एज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको चाहिए कि जी प्राइवेट लिखें यू राइट प्राइवेट और आगे कोलन लिख देते हैं उसके बाद जितनी लाइनें आएंगी जिसमें हम डेटा और फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं वो तमाम की विजिबिलिटी प्राइवेट होगी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा कि व्हाट डज़ इट मीन लेकिन वो प्राइवेट ही विजिबिलिटी चलती जाएगी जब तक आप इंडिपेंडेंटली एक और लाइन पर नहीं लिखते पब्लिक और फिर आगे कोलन दो नुकते वो लगा देते हैं तो पब्लिक कीवर्ड के बाद जो चीज़ें लिखेंगे वो क्लास के बाहर से नज़र आ सकती हैं सो हाउ डू वी सेपरेट दिस देखें अब हमारी जो क्लास है डेट इसमें मैंने जो डेटा मेंबर्स रखे हैं मंथ डे ईयर उनको तो हम डिफाइन करेंगे एज प्राइवेट वो समझ लें इसके घड़ी के अंदर वाली गरारियाँ हैं उनको हम हाथ नहीं लगाना चाहते हाँ हम टाइम पढ़ना ज़रूर चाहेंगे हम टाइम सेट भी करना चाहेंगे इन दिस केस डेट जो है उसको सेट करना चाहेंगे और डेट की वैल्यू पढ़ना भी चाहेंगे क्योंकि वो बाहर से हो रहा होगा काम इस वास्ते डेट पढ़ने या सेट करने का तरीका जो है वो क्लास के पब्लिक वाले हिस्से के अंदर हमें डिफाइन करना चाहिए नॉर्मली जो नॉर्म है क्लास के अंदर डेटा जो है उसको प्राइवेट रखा जाता है क्योंकि अगर डेटा को पब्लिक कर दिया तो फिर वीर बैक टू एन ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर वीर बैक टू एन ऑर्डिनरी वेरिएबल प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है ऑन द अदर हैंड उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो फंक्शंस हम लिखेंगे जिनको अब हम नई ऑब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी में मेथड्स कह रहे हैं वो मेथड्स जो हैं, वो पब्लिक कीवर्ड के बाद लिखते हैं ये मेथड्स क्लास के बाहर से भी कॉल हो सकते हैं यानी मेन प्रोग्राम में से कॉल हो सकते हैं ये मेम्बर फंक्शंस हैं क्लास के इनको हम मैथड्स कहते हैं और फ़र्क ये है एज अपोज टू ऑर्डनरी फंक्शंस क्योंकि ये मेम्बर फंक्शंस हैं ये मेंबर फंक्शंस क्लास के प्राइवेट डेटा को देख भी सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं नाउ लेट्स रिविजिट दिस टॉपिक अ लिटिल बिट मोर व्हाट आई सेड वाज दैट सिंस आई मेड द डे मंथ एंड ईयर प्राइवेट इनसाइड दिस क्लास नीचे मैं प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ कहता हूँ डेट माई डेट माई डेट डॉट मंथ इक्वल टू टेन इज इलीगल क्योंकि मंथ इज़ नाउ प्राइवेट इन साइड द क्लास प्रोग्राम लेवल पे माई डेट का मंथ जो है हिस्सा वो नज़र नहीं आता इसको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट द वे आई लाइक टू थिंक ऑफ इट इज़ के क्लास जो है ना इट्स अ ब्लैक बॉक्स एक काला डब्बा है बंद है उसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं अंदर हाथ कैसे लगाऊँ उसके लिए डब्बे के अंदर एक खिड़की काटी हुई है मैंने जो चीज़ मुझे खिड़की से नज़र आती है वो चीज़ है जो कि बाहर से मेरा प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है जो चीज़ खिड़की से नज़र नहीं आती वो मेरा प्रोग्राम बाहर से इस्तेमाल नहीं कर सकता इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने डे मंथ ईयर को प्राइवेट बना दिया वो काले डब्बे के अंदर किसी खाने में पड़े में खिड़की से मुझे नज़र नहीं आते अब मैं उनको सेट करना चाहता हूँ सेट करने के लिए मैं एक मेंबर फंक्शन या मेथड डिफ़ाइन करता हूँ क्लास के अंदर जो कि पब्लिक सेक्शन में डिफ़ाइन किया जाता है क्योंकि वो पब्लिक सेक्शन में है तो समझ लें वो इस खिड़की से मुझे नज़र आता है क्योंकि वो मेंबर फंक्शन है लिहाजा उस मेंबर फंक्शन को मेंबर डेटा जो है जो प्राइवेट था वो उस फंक्शन को नज़र आता है नाउ इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस मुझे पब्लिक फंक्शन नज़र आते हैं लेकिन क्योंकि वो फंक्शंस मेंबर फंक्शंस हैं उनको पीछे वाला डब्बे के अंदर जो डेटा था वो भी नज़र आता है इसके फ़ायदे नुकसान जो हैं वो अब डिस्कस करेंगे पहली चीज़ कि जी मैंने मंथ की वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूँगा अब मैं बाहर से माई डेट डॉट मंथ इक्वल टू टेन नहीं लिख सकता मैं एक फंक्शन लिखूंगा समथिंग कॉल्ड सेट मंथ जो कि खिड़की में से मुझे नज़र आता है यानी क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है अब मैं कहूँगा माई डेट डॉट सेट मंथ फंक्शन कॉल और फिर पैरेंथिस के अंदर मैं 10 लिख दूंगा अब यह फंक्शन कॉल होगा फंक्शन को मंथ वाला प्राइवेट डेटा वेरिएबल जो था वो नज़र आएगा वो उसकी वैल्यू 10 कर देगा और वापस आ जाएगा मेरा काम हो गया सेम थिंग अप्लाइज अगर मैं कहता हूँ कि जी माई डेट की वैल्यू प्रिंट करो तो से माई डेट डॉट प्रिंट जहाँ पे प्रिंट मैंने ही एक फंक्शन लिखा है और वो पब्लिक इंटरफेस के अंदर डाला हुआ है और वो प्रिंट जो है उसको पीछे जो हिडन डेटा था जो प्राइवेट वेरिएबल्स थे वो उसको नज़र आते हैं तो प्रिंट उसको नीटली फॉर्मेट करके डेट प्रिंट कर देता है इसको अगर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया जाए स्ट्रक्चर के साथ तो यू रियलाइज़ कि स्ट्रक्चर के सारे डेटा मेम्बर जो थे वो बाई डिफ़ॉल्ट पब्लिक थे पब्लिक थे तो क्या वो हमें नज़र तो आ जाते थे लेकिन नुकसान ये था हम उनको सेट भी कर सकते थे जहाँ मर्जी से दिल करे कोई नुकसान है इस चीज़ का थिंक अबाउट डेट पहले मुझे बताएं डे की वैलिड वैल्यूज क्या हो सकती हैं देखें डिपेंड्स ऑन द मंथ बट एक से छोटी तो डेट नहीं हो सकती और इसी तरह किसी भी महीने में बत्तीस दिन तो है नहीं सो so, उसकी मिनिमम वैल्यू भी है मैक्सिमम वैल्यू भी है इसी तरह मंथ को ले लें कि जी मंथ जो है वो जनवरी या मंथ वन से कम नहीं हो सकता और दिसंबर यानी मंथ ट्वेल्व से ज़्यादा नहीं हो सकता यर यर फ्लेक्सिबल है हम ईयर जीरो की भी बात कर सकते हैं हम माइनस वन की भी बात कर सकते हैं ईयर टू थाउजेंड की भी बात कर सकते हैं ईयर टू थाउजेंड एंड फाइव की भी बात कर सकते हैं सो so, वहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन डे और मंथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अगर ये हमने डेट जो है ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता तो प्रोग्राम में अगर मैं कहीं पर जाके लिख देता माई डेट डॉट मंथ इक्वल्स थर्टीन तो प्रोग्राम को तो कुछ पता नहीं है उसने मंथ की वैल्यू मेरे लिए थर्टीन बना देनी थी और डेट इनवैलिड हो जाती अब ये मसला आ रहा है कि जी मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है और मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ मेरा प्रोग्राम उसको इस्तेमाल करे लेकिन मैं शायद आपको भी दे दूँ कि भाई मैंने एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर लिखा है आप अपने प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करें जब आप इस्तेमाल करने जाएंगे तो यू कुड मेक ए पॉसिबली इन यूज़ और यू कुड पुट इन वैल्यूज़ into the data डेटा because बिकॉज़ were पब्लिकली accessible. इसी तरीके से आपको ये भी नज़र आएगा स्ट्रक्चर के अंदर कि जी क्या कुछ रखा हुआ है उसका नाम क्या है उसको मैनिपुलेट किस तरह किया जा रहा है हर चीज़ नज़र आती है इट्स एज एफ कि इसी घड़ी का केस जो था ना वो एक ट्रांसपेरेंट शीशे का बना होता मैं इसको देखता तो हर चीज़ नज़र आ जाती नॉट फन हम चाहिए रहे हैं कि जो चीज़ हम दिखाना चाहें वो नज़र आए जो चीज़ हम छुपाना चाहें वो छुप जाए प्राइवेट एंड पब्लिक दैट इज़ वॉट वी यूज इन क्लासेज पब्लिक बिकम्स द इंटरफेस ऑफ द क्लास जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं जिसके थ्रू क्लास को मैनिपुलेट किया जाता है प्राइवेट बिकम्स द इन साइड ऑफ द क्लास द डेटा मेबर्स समझ ले द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन हम हरगिज़ नहीं दिखाना चाहते मैं क्यों आपको बताऊं कि मैं कितने गंदे प्रोग्राम लिखता हूं? प्रोग्राम काम करता है आपको उससे गर्ज होनी चाहिए कि जी मैंने तो डेट सेट करनी थी डेट सेट हो गई डेट प्रिंट करनी थी डेट प्रिंट हो गई आपको क्यों पता चले कि जी मैंने वेरिएबल का नाम जो है वो डे मंथ ईयर नहीं रखा हुआ मैंने आई जे के रखा हुआ है दिस इज बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इन अदर वर्ड्स आई डोंट वॉन्ट टू शो यू माई इम्प्लीमेंटेशन दूसरा एक और सटल चीज़ इसको हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन It is a crucially important concept in modern programming. When we separate the interface from the implementation, as long as the interface remains the same, implementation kumme kal badal saktaam. Now, how do we think about it in the real world? <coughs> Ek example Dekhen, guardian na, motor cars. Wo, लेट 1800s में अर्ली 1900s में आई मॉडल टी फोर्ड का एक मॉडल था बड़ा मशहूर हुआ वहाँ से चलते चलते आजकल की गाड़ियाँ आ गईं अब इन दोनों को कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड मटेरियल्स ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है क्या चीज़ कॉमन रही है उन गाड़ियों में और आज तक की गाड़ियों में स्टीयरिंग है उस वक्त भी होता था क्लच है ब्रेक है एक्सलेटर है उस वक्त भी होता था गेयर लीवर है उस वक्त भी होता था द इंटरफेस इज द सेम स्पीडोमीटर लगा हुआ स्पीड दिखाता है उस वक्त भी होता था कम से कम आ गया था वेरी अर्ली ऑन जिन चीज़ों से हमें गर्ज है कि मैं गियर लगाना चाहता हूं तो मुझे पुरानी गाड़ी में भी गियर लीवर मिलेगा नई गाड़ी में भी मिलेगा मैं उसको राइट मोड़ना चाहता हूं मैं स्टीयरिंग को यूं घुमाऊंगा पुरानी गाड़ियों में भी यूं ही घुमाता था आजकल भी यूं ही घुमाता हूं जिस चीज़ का मुझे नहीं पता नहीं और ना ही मुझे उससे कोई गर्स है वो ये है कि जी पुरानी गाड़ी के अंदर वो स्टियरिंग के साथ आगे दो मोटी मोटी गेयरें लगी होती थी वो गेयरों के साथ रॉड लगे हुए थे वो जनाब पहियों को राइट और लेफ्ट घुमाते थे आजकल की गाड़ियों में शायद स्टियरिंग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो मैं जब स्टियरिंग घुमाता हूँ फ़िज़िकली वही एक्शन लेता हूँ कोई रॉड नहीं है कोई गियर नहीं है एक छोटे से माइक्रोसविचेस लगे हुए वो माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल देते हैं माइक्रो प्रोसेसर आगे से कहता है कि जी मोटर चले और पहिए घूम जाएं मुझे उससे क्या गर्ज मुझे तो इफ़ेक्ट के साथ है मेरा इंटरफेस वही रहा स्टीयरिंग और इफ़ेक्ट वही रहा कि पहिए मुड़ गए इम्प्लीमेंटेशन सारी की सारी तब्दील हो गई पुराना इंटरनल कम्बेस्टन इंजन जो था वो आजकल के इंटरनल कम्बेस्टन इंजन के साथ तो कंपेयर ही नहीं होता वेल्व्स बदल गए हैं वेरिएबल वेल्व टाइमिंग आ गई है कार्बोरेटर की जगह पे फ्यूल इंजेक्शन आ गया है लेकिन हमें तो डैशबोर्ड के ऊपर चाबी मिलती है चाबी घुमाते हैं इंजन स्टार्ट हो जाता है इंटरफेस वो ही रहा है इंटरफेस प्रोग्रामिंग आज मैंने किसी काम के लिए प्रोग्राम लिखा मैंने कहा के जी चलें, कैलकुलेट करते हैं कि जी अर्थ के ना मून जो है उसकी ऑर्बिट जो है वो क्या होगी ठीक है ना कितनी देर मिल से कि जी मून चक्कर लगाता है मेरे पास आज की फ़िज़िक्स के नॉलेज के मुताबिक कुछ फार्मूले हैं तो मैंने उसको इंटरफेस डिफ़ाइन किया कैलकुलेट ऑर्बिटल टाइम एक फंक्शन है और उसको मैंने शायद पैरामीटर्स दूं शायद ना दूं इन दिस केस तो मैं नहीं दूंगा कि मैंने कहा जी मैं तो मून और अर्थ की बात कर रहा हूं चलते चलते पता चला कि जी फिज़िक्स की सारी थ्योरी बदल गई है पता चला कि जी वो तो कुछ और ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है ऑर्बिटल टाइम डिटर्मिन करने के लिए जो फलाने सन में करते थे वो सारी गलत है अब मैं क्या करूं? आई डोंट चेंज द इंटरफेस आई गो एंड चेंज द इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सारी मैं बदल देता हूं, लेकिन फंक्शन का नाम वही रहने देता हूं और उसकी विजिबिलिटी उसी तरह पब्लिक छोड़ देता हूं। अब अगर कोई प्रोग्राम इस्तेमाल करता है और कहता है कैलकुलेट ऑर्बिटल टाइम कैलकुलेशन फिर भी हो जाएगी रिजल्ट भी मैंने मेनटेन किया जिस तरह पहले आता था उसी तरह आए स्टेयरिंग घुमाया पहिए घूम गए द रिजल्ट शुड बी द सेम फॉर्मेट रिमेन्स द सेम दैट इज़ द पब्लिक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन सारी बदल गई है इट्स अ वेरी नीट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ वॉट वी यूज़ वेन वी वर्क विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस चले आए अपनी डेट क्लास को जरा सा डिटेल में देखते हैं हमने लिखा क्लास कीवर्ड है फिर डेट ये इस क्लास का नाम होगा दिस इज़ आर न्यू नेम फॉर द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट वी आर क्रिएटिंग सो क्लास फिर डेट आ गया उसके बाद ब्रेसिस खोले उसके बाद आप देखें कि हमने डायरेक्टली लिख दिया पब्लिक कोलन पब्लिक इस वास्ते लिखा है जैसे मैंने मैंशन किया था पहले कि डिफॉल्ट प्राइवेट है सो so जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ उससे पहले मुझे पब्लिक का कीवर्ड लिखना लाजमी है पब्लिक के बाद मैंने कहा डिस्प्ले so display is a function that i will use to display the value of the date which is stored inside an object of this class lamba sa sentence hai lekin quite simple jo bhi maine date ki value display karni hogi to is function ko main call karunga लिहाजा ये function public section के अंदर होना चाहिए इसके अलावा एक और भी function यहां पे लिखा हुआ है public section के अंदर उसका नाम بذات خود date है और date के साथ मैंने कुछ पैरामीटर्स भी दे दिए हैं इंट डे कॉमा इंट मंथ कॉमा इंट ईयर इस फंक्शन के ऊपर आगे चल के हम काफ़ी बात करेंगे इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं लेकिन क्या होता है विल टॉक अबाउट इट लेटर उसके बाद मैंने कीवर्ड लिखा है प्राइवेट और प्राइवेट के आगे कोलन डाल के अब मैंने इसका डेटा स्ट्रक्चर जो था ना एक्चुअल डेटा जो है वो लिख दिया और वहाँ पे मैंने वो इंट डे मंथ ईयर डिक्लेयर कर दिए तीन प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के फिर मैंने ब्रेसेस जो हैं वो बंद किए उसके बाद एक सेमीकोलन लगा दिया इसको ना भूलिएगा सेमी कोलन के बग़ैर क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती अब देखें एक तो पब्लिक प्राइवेट का अब तक आइडिया हो गया होगा कि पब्लिक चीज़ें बाहर से नज़र आएंगी लेकिन वो डिस्प्ले फ़ंक्शन जो है भाई उसकी डेफिनेशन कहाँ है मैंने सिर्फ लिख दिया डिस्प्ले और डिस्प्ले को बेशक आप रिटर्न टाइप को दे दें इन दिस केस इज़ वॉय हम कहते हैं कि तो सिर्फ डिस्प्ले करेगा सो इट रिटर्न नथिंग सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम क्लास से बाहर डिफाइन कर लेंगे लेकिन उसको भी एक ख़ास तरीके से बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द क्लास इट्स अ मेम्बर फंक्शन इट हैपन्स टू बी इन द पब्लिक सेक्शन इट कु द प्राइवेट सेक्शन विल टॉक अबाउट दैट ये एक क्लास का स्ट्रक्चर बना लिया जो मैंने शुरू में बात की दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जब आप क्लास कोई लिखते हैं इस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर तो इस वक्त अगर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उस क्लास ने कोई मेमोरी में, में जगह नहीं लेनी हाँ उसके फंक्शंस वगैरह ज़रूर कंपाइल होंगे वो तो जगह होगी लेकिन डेटा कोई नहीं है डेटा ने अभी मेमोरी में, में कोई जगह नहीं ली बिकॉज इसी तरीके से जैसे हम इंट लिखते थे तो इंट बजाते ख़ुद लिखने से मेमरी में, में कोई जगह रिज़र्व नहीं होती थी जब हम इंट आई कहते थे तो आई के लिए जगह रिज़र्व होती थी क्लास हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ये जब बन गई तो प्रोग्राम के अंदर जब मैं कहूँगा डेट माई डेट उस वक्त एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास विल बी क्रिएटेड दैट इज वॉट वी कॉल एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो मेमरी में, में, में जगह लेता है ऑब्जेक्ट क्या होगा अब ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा मेंबर्स आएंगे इन दिस केस डे मंथ ईयर आप पूछेंगे फंक्शंस आएंगे फॉर द मोमेंट मैं कहता हूँ फंक्शंस भी आएंगे क्योंकि फंक्� वो कहीं ना कहीं तो मौजूद हैं लेकिन बाद में जाके मैं इस डेफिनेशन को जरा से एक्सपेंड करूँगा और आपको बताऊंगा ये फंक्शन जाते कहाँ हैं सो वी रिटन अ क्लास डेट उसके अंदर मैंने एक ख़ास फंक्शन भी लिखा है उसका अपना नाम डेट है और उसकी रिटर्न टाइप मैंने कुछ नहीं दिखाई उसको हम मैंने कहा था कि उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं विल डिस्कस दैट इन अ मोमेंट फॉर द मोमेंट मैं कहता हूं कि जी इस डेट को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर तो डिस्प्ले फंक्शन जो है मुझे डेट प्रिंट कर दे अब डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है प्रोटोटाइप तो हमने क्लास के अंदर दिखा दी डेफिनेशन के लिए एक खास तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वो है पहले हम क्लास का नाम देते हैं देखिए अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही अभी क्लास की बात हो रही है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की बात हो रही है सो so, हम लिखते हैं डेट वो हमारी क्लास का नाम था डेट लिख के हम दो कोलन लिखते हैं कोलन कोलन उसके बाद लिखते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले क्या चीज़ है फंक्शन का नाम है और फिर आगे उसके परेंथेसिस आ जाते हैं हमने कहा इसको कोई आर्गूमेंट नहीं जाएगा ब्रेसिस खोलते हैं डिस्प्ले फंक्शन की पूरी डेफिनेशन वो लिखते हैं इन दिस केस वी में से सी आउट के साथ डे मंथ ईयर दिखा देंगे और फिर ब्रेसिस बंद कर देते हैं जिस चीज़ पे इस वक्त गौर करने वाला है वो ये है कि ये फंक्शन का हमने डेफिनेशन की पहली लाइन कैसे लिखी फंक्शन की पहली लाइन जब हम लिखते हैं ना डेट और फिर कोलन कोलन तो कोलन कोलन जो है डबल कोलन इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यह स्कोप रिजॉल्व करता है ये बताता है ये फंक्शन जो है किस को बिलोंग करता है सो इन दिस केस डिस्प्ले बिलोंग्स टू द क्लास कॉल्ड डेट सो स्कोप रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन अ वे ये समझ लें कि फंक्शन क्लास के अंदर ही डिक्लेयर हो रहा है अगर आपके पास कोई प्राइवेट फंक्शन भी होता इस क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन यूं ही होनी थी क्लास के बाहर आप उसकी पूरी डेफिनेशन लिखते थे लेकिन प्रोग्राम में फिर भी वो फंक्शन नज़र ना आता क्योंकि वो प्राइवेट था इस केस के अंदर डिस्प्ले इज़ इन द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द क्लास सो इट विल बी विजिबल बट नन फॉर द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विच इज़ क्लास नेम डबल कोलन फंक्शन नेम एंड देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन दिस इज़ हाउ वी डिफाइन मेम्बर फंक्शंस लाजमी बात है आप पूछ रहे होंगे कि जी हमने बाहर निकल के क्लास से क्यों लिखा क्लास के अंदर ही क्यों नहीं ये फंक्शन डिफाइन कर दिया कैन वी डू दैट द आंसर इज़ यस यू कैन देर इज़ नो प्रॉब्लम डिफाइनिंग द फंक्शन इन साइड द क्लास इट सेल्फ द आइडिया और आदर द इज़ जब आप फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर कोशिश करता है कि उसको इन लाइन ट्रीट करे और उसकी अपनी इंप्लीकेशन हैं इनलाइन फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में सो यू नो कि वहाँ पे वो एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट आने की कोशिश करता है इट डज़ लीड टू मोर एफिशिएंसी द क्लास वर्क्स फास्टर बट बाय एंड लार्ज दीज फंक्शंस आर नॉन ट्रिवियल ये कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं तो एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि इनकी डेफिनेशन हम क्लास से बाहर करते हैं और बाहर करने के लिए टू मेक श्योर दैट दे बिलोंग टू द क्लास वी यूज़ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ द क्लास अभी तक हमारी जो क्लास है डेट वाली वो बड़ी एलिमेंट्री स्टेज पे पहुंची है एलिमेंट्री स्टेज ये है कि जी हम इस क्लास से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसका ये फंक्शन जो है कॉल करके उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं इज़ दैट ए नफ सर्टनली इट्स नॉट ए बिकॉज़ बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ इंट आई और फिर मैं आपको कहता हूँ आई की वैल्यू क्या है तो बाय लाज आंसर वुड बी कि जी अभी तो हमने उसको असाइन कुछ नहीं किया मुझे क्या पता कि मेमोरी में उस लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है सेम वे इफ आई जस्ट डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड द सिंटैक्स इज सिंपल आई से डेट माय डेट सेमिकोलन तो ऑब्जेक्ट तो बन गया लेकिन उसकी डे मंथ ईयर उसकी वैल्यूज़ क्या हैं उसका हमें अभी कुछ नहीं पता अब मैं कहता हूँ माई डेट डॉट डिस्प्ले और ये वो डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने इसका एक पब्लिक हिस्से वाला मेंबर फंक्शन कॉल कर लिया उसने उसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देनी है आई नीड मोर मेंबर फंक्शंस आई नीड फंक्शंस जिससे साथ मैं डेट को सेट भी कर सकूं। ठीक है ना मे बी आई वॉन्ट टू सेट द डे सेपरेटली आई वॉन्ट टू सेट द मंथ सेपरेटली आई वॉन्ट टू सेट द ईयर सेपरेटली इफ आई वर टू डू दैट आई वुड यूज़ थ्री डिफरेंट फंक्शंस I would have a function called set day taking an integer argument. I would have another function called set month again with an integer argument and a third function called set year with an integer argument. Or the program I the se maka hunga my date dot setday ten wo day ki value ke ten How it Let us write that function and see how it works. मेंबर फंक्शन है लिहाजा इसकी डेफिनेशन जो है उसके अंदर हम लिखेंगे डेट क्लास का नाम कोलन कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सेट डे फंक्शन का नाम परेंथिस के अंदर उसकी आर्गूमेंट लिस्ट इन दिस के इन दिस केस इंट डे ठीक है या कोई भी आई कर दें आप इसको फॉर द मोमेंट लेट्स यूज आई बॉडी के अंदर क्या होगा ब्रेसेस शुरू किए आगे जाके मैं लिख देता हूँ डे इज इक्वल टू आई और ब्रेसेस बंद कर दिए फंक्शन कंप्लीट हो गया आई होप यू आर ऑलरेडी आस्किंग द क्वेस् कौन से वाले ऑब्जेक्ट का डे जो है उसकी वैल्यू आई हो गई द आंसर इज कि जी अभी तो सिर्फ फंक्शन डिफाइन हुआ है ये कॉल नहीं हुआ कॉल कौन करेगा कॉल इसको ऑब्जेक्ट करता है इसको क्लास कॉल नहीं करती सो जब मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा डेट माई डेट तो माई डेट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट नीचे जाके मैं कहता हूँ माई डेट डॉट सेट डे टेन वॉट दैट डज इज जो माई डेट का डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डे की वैल्यू थी उसके अंदर वैल्यू टेन लिख दी जाती है सो यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ वेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे बन गया मेमोरी में ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट थ्री यहाँ पे बन गया मुख्तलिफ जगहों में मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जा रहे हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कोई मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कॉल जो है उस ऑब्जेक्ट के डेटा को मैनिपुलेट करती है टू मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर सपोज़ हमने इस अपने प्रोग्राम के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप डेट डिक्लेयर किए हमने कहा डेट डेट वन कॉमा डेट टू कॉमा डेट थ्री सो ना वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स जब declare हो गए हैं तो अब memory में इन्होंने अपनी अपनी जगह संभाल ली है हर एक के पास उसका day month year, day month year, day month year वाले data variables मौजूद हैं Program में चलके मैं कहता हूँ date one dot set month ten। क्या होता है Function call होता है जो के class के अंदर define किया हुआ था डेटा कौन सा मैनिपुलेट होता है जो डेट वन के अंदर मंथ था वो मैनिपुलेट होगा इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ डेट टू डॉट डिस्प्ले तो डिस्प्ले का फंक्शन तो मैंने क्लास लेवल पे डिफाइन किया था फंक्शन वो चलेगा लेकिन वो डिस्प्ले कौन सा डेटा करेगा जो डेट टू वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है सो यू हैव टू रियलाइज के वी ऑलवेज कॉल दीज मेंबर फंक्शंस बाय रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वी से डेट वन डॉट समथिंग और डेट टू डॉट समथिंग और डेट थ्री डॉट समथिंग वी नेवर कॉल दीज फंक्शन बाई रेफरिंग टू द क्लास यानी हम कभी भी नहीं वो आम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कभी नहीं कहा था स्क्र इंट भाई इंट तो डेटा टाइप है स्क्वेयर आप किस को करना चाहते हैं आप कहते थे स्क्वेयर आई इसी तरीके से यहाँ पर हम कभी नहीं कहते डेट डॉट डिस्प्ले डेट तो क्लास है डेट डॉट डिस्प्ले इज़ इन वैलिड हाँ डेट वन डॉट डिस्प्ले अगर कहेंगे तो देट इज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट और उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी ये जो तरीका है ऑफ यूजिंग मेंबर फंक्शंस फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑफ अ क्लास और सेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास ये काफ़ी स्टैंडर्ड है सो वी डू हैव दैट फंक्शन एंड वी हैव द गेट फंक्शन तो नाम भी उस तरह से हमने लिखे हुए कि जी डेटा को अगर सेट करना है तो हम नॉर्मली सेट सम फंक्शन का नाम लिख देते हैं Again, it's a matter of style. You can call it whatever you want, but it would be a bad idea to have a function just print or kar kyara hai wo month ki value set kar rap. to but it would be utterly confusing when you actually use it in your program. So we normally say set something. Ab month ko set karna hai, a logical choice for the function name would be set month. Day ko set karna hai, a logical choice for the function name would be set day. एन सेट ईयर एंड सो ऑन मैं इनको पढ़ के इनकी वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूँ अगर मैं अलीहदा अलहदा करना चाहता हूँ अ गुड चॉइस वुड बी गेट डे गेट मंथ गेट ईयर और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है नाम खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको पता है ये वो वैल्यू पकड़ के लिखा देगा आल रिपीट अगैन दीज फंक्शंस आर डिफाइंड एज मेम्बर फंक्शन ऑफ द क्लास

उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ फंक्शन का नाम उसकी रिटर्न टाइप उसके आर्गूमेंट ये बताने की जरूरत है यूजर को एंड द यूजर ऑफ द क्लास इज आर प्रोग्राम सो गोइंग ऑन विद दिस डेट एग्जाम्पल लेट सी वॉट एल्स वी हैव देयर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बीच में फंक्शन लिखा हुआ है, है वो पब्लिक सेक्शन के अंदर वो फंक्शन है डेट यानी उसका नाम फंक्शन का वही नाम है जो कि क्लास का नाम था मैंने इसको एक स्पेशल नाम दिया था इस किस्म के फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर्स कहा जाता है गोइंग बैक के जी नाम आई थिंक कंस्ट्रक्टर से आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि जी जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं बाय राइटिंग समथिंग लाइक डेट माई डेट तो एक इनविजिबली कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो जाता है एक फंक्शन कॉल हो जाता है जो इस वेरिएबल को क्रिएट करके कुछ इसके साथ करके हमें दे देता है भाई अगर हम कंस्ट्रक्टर ना लिखें तो क्या होगा कुछ नहीं होगा C++ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से सप्लाई कर देती है ऑब्जेक्ट विल स्टिल बी क्रिएटेड बट बाय एंड लार्ज व्हाट वी वांट इज कि द ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड इन अ सर्टन स्टेट जब हमारा डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसकी डे मंथ ईयर की कोई खास वैल्यू हो अब एक तरीका यह है हम कहेंगे जी ज़ीरो जीरो ज़ीरो के साथ इनिशलाइज़ कर देना या कोई ख़ास डेट के साथ इनिशलाइज़ कर देना वो तो हम उसको करने का तरीका क्या होगा रिमेंबर जब हम कहते थे इंट आई तो मैंने कहा जी इस वक्त यू कैन नॉट प्रिडिक्ट आई की वैल्यू क्या है तो हम उसको करते थे इंट आई इक्वल टू ज़ीरो कहते थे इंट आई और नीचे जाके आई इक्वल टू ज़ीरो कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ उसको इनिशलाइज कर लेते थे कंस्ट्रक्टर का बाय एंड लार्ज काम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको इनिशलाइज कर दिया जाए इन टू अ स्टेट विच इज़ रिकगनाइजेबल एंड विच इज़ एक्सेप्टेबल यानी एक वैलिड स्टेट में ले आया जाए यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर आपको दिखाया हुआ है ये जो है ये कह रहा है कि जिसको तीन इंटीजर आगूमेंट्स चाहिए डे मंथ और ईयर के लिए ठीक है तीन इंटीजर्स पास होंगे कॉन्स्ट्रक्टर क्योंकि फंक्शन है तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल वही है जो कि पहले हमने मेंबर फंक्शंस लिखने का तरीका दिखाया था आपको यानी हम पहले क्लास का नाम लिखते हैं डेट फिर डबल कॉलन लिखते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं विच इन द केस ऑफ़ द कंस्ट्रक्टर इज डेट और फिर उसके बाद उसकी आर्गूमेंट लिस्ट आती है फिर ब्रेसिस का पेयर आता है और ब्रेसिस के पेयर के अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन आती है सो नाउ वी कैन डू मैनी थिंग्स वॉट वी कैन डू इज़

और आपको कंट्रोल प्रोग्राम में कंट्रोल वापस आने से पहले यह फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा ये फंक्शन हमने किस तरह से लिखा है कि जो वैल्यूज हमने इसको पास की इन दिस केस वन कामा वन कामा टू थाउजेंड इसने डे में वैल्यू वन डाल दी मंथ में वैल्यू वन डाल दी और ईयर में वैल्यू टू थाउजेंड डाल दी और फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसने माई डेट का ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया सो वॉट इट हैज़ डन it has created and initialized the object good way of doing things ab if agar my date dot display to koi proper date nazar bhi values so a constructor is being used to initialize the data inside an object and put it into a consistent or a valid state what about default arguments हमने पिछली दफ़ा डिफॉल्ट आग्यूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे कैन वी यूज देम विद अ कंस्ट्रक्टर आंसर इज एब्सल्यूटली यस इंटरेस्टिंग इनाफ इस एग्जाम्पल के लिए काफ़ी पर्टिनेंट है कि जी इस दफा का जो भी साल चल रहा है बाय एंड लार्ज आज हम प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे तो बार बार साल की वैल्यू वही जा रही होगी हाँ डेट भी बदलेगी मंथ भी बदलेगा लेकिन साल तो शायद एक साल के बाद जाके बदल रहा हो So you could put a default value in there. You could say, in the constructor, you could say int day, int month, int year equal to 2002 or 2005, or whatever year the default value of here. Ab would default value vale rules like. Lag you can now declare an object of this class in many different ways. यू को डिक्लेयर इट बाई सेंग डेट माई डेट और आगे पर में वन कामा वन कॉमा टू थाउजेंड माई डेट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड डे इज इनिशलाइज टू वन मंथ इज इनिशलाइज टू वन ईयर इज इनिशलाइज टू टू थाउजेंड दूसरा तरीका मैं कहता हूँ डेट माई डेट वन कॉमा वन दो आर्गूमेंट्स दिए तीन नहीं दिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू काम आ जाएगी डे विल इनिशलाइज टू वन मंथ विल भी इनिशलाइज टू वन एंड यर विल भी इनिशलाइज टू द डिफॉल्ट वैल्यू दैट वॉज गिवन इन द कंस्ट्रक्टर सो अ नाइस वे ऑफ यूजिंग इट बट देर आर सम कॉम्प्लीकेशन एज ऑलवेज देर आर कॉम्प्लीकेशंस कॉम्प्लीकेशन ये है कि कॉन्स्ट्रक्टर बजाते खुद क्योंकि एक सी प्लस प्लस का फंक्शन है तो वो ओवरलोड भी किया जा सकता है So, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास का एक ही कंस्ट्रक्टर हो इसके कई कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं इस क्लास के लिए लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। देखें अगर मैं आपको कहूं कि जी अपने अपनी कॉपी के ऊपर ना डेट लिख लें आज की तो क्या होगा क्या आप सब एक तरीके से डेट लिखेंगे माय गैस नो कोई लिखेगा सपोज आज की डेट इज़ वन वन टू थाउजेंड आप में से कोई लिखेगा वन स्लैश वन स्लैश टू थाउजेंड कोई और स्टूडेंट लिखेगा जनवरी वन टू थाउजेंड कोई और लिखेगा जीरो वन हाइफन जे एन हाईफन टू थाउजेंड ये साहब जो हैं ये डेटा के एक्सपर्ट हैं क्योंकि डेटा इस तरह डेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन अदर वर्ड एम ट्राइंग टू से इज यू हैव मैनी फॉर्मैट्स फॉर द डेट नाउ इफ़ यू हैव मैनी फॉर्मैट्स फॉर द डेट वुड इट बी नाइस that I could initialize an object of this class using any of these formats. Abhi tak to hum sirf ek istamal kar rahe the, one comma one But how about if I were to give it a character string saying 01-Jan, dash characters me month ka naam -2000. two thousand. और वो कंस्ट्रक्टर जो है इस कैरेक्टर स्ट्रिंग को लेके अंदर चला जाए उसको पास करे कहे जी कि पहले हाइफन तक देखो क्या नंबर आए हैं उन नंबर्स को कन्वर्ट करके योर न्यूमेरिक वैल्यू डे को असाइन कर दो हाइफन को फेंक दो नेक्स्ट तीन कैरेक्टर्स को उठाओ और उससे आइडेंटिफाई करो कि जी मंथ नंबर क्या है यानी अगर एम ए आर लिखा हुआ है तो दैट विल बी द थर्ड मंथ मार्च और वो न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट करके आप उसको मंथ को असाइन कर दें और फिर एक हाइफन आएगा उसको फेंक दो फिर जो नंबर लिखा हुआ है उसको वही ए टू आई फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं ए टू आई से वो स्ट्रिंग 2000 जो लिखी हुई थी उसको एज अ नंबर बना के ईयर को असाइन कर दो अब देखें वॉट वी आर डूइंग इज अ लॉट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटेग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटेग्रेशन इस तरह से हो रही है कि अब मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बात की कि जी फंक्शन ओवरलोडिंग एक चीज़ होती है और आज क्लास में दाखिल होते ही मैंने बता दिया कि जी कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो सकते हैं अच्छी बात यह है कि एग्जैक्टली exactly जो रूल्स अप्लाई करते थे ऑर्डिनरी फंक्शन ओवरलोडिंग को वही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अप्लाई करते हैं हमने डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स की बात की थी वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं वही रूल्स अप्लाई करते हैं कि जी डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स राइट पे लिखने हैं लेफ्ट पे नहीं लिखने एंड सो ऑन आइडिया इज ट्राई टू मेक द क्लास एज फ्रेंडली एज पॉसिबल फॉर यूजर्स ऑफ द क्लास सो जब मैंने कहा कि जी हमने दो कंस्ट्रक्टर्स दे दिए हैं एक में हम वन कामा वन कामा टू थाउजेंड लेते हैं दूसरे में कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं मे बी तीसरा आ जाए वन स्लैश वन स्लैश टू थाउजेंड एज अ केरेक्टर स्ट्रिंग वो भी पास हो जाए वो भी पास हो जाना चाहिए प्रॉपरली एंड सो ऑन ना ऑब्वियसली देर अ लिमिट टू थिंग्स यू डोंट वॉन्ट टू गो ओवर बोर्ड और क्लास लिखने लगें तो कंस्ट्रक्टर्स ही कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करते जाएं कि जी शायद हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट करना चाहें शायद हम इसको इस तरह से क्रिएट करना चाहें विद इन लिमिट विद इन रीजन ठीक पर एक दो तीन ऑल्टरनेटिव दे देना अच्छा होता है कि जो क्लास का यूज़र है मे बी उसके सिंटेक्स के अंदर कि वो मंथ्स को हमेशा नंबर के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहा वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स ले रहा है जैन फेब मार अप्रैल एंड सो ऑन सो इट वुड बी नाइस इफ़ यू वर टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर दैट कुड हैंडल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इन दिस फॉर्मेट। सो विद इन रीजन प्रोवाइड वन और टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर्स के बारे में चलते हुए मैं कुछ बातें करता चलूँ ऑल ये टॉपिक लंबा है और हम अभी इसको काफ़ी एक्सपेंड करेंगे कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है जिसका नाम वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं रखता वॉइड भी नहीं होता यानी उसको सिंपल उसका नाम जो है वो रिटर्न टाइप के बगैर उसको डिक्लेयर किया जाता है कंस्ट्रक्टर जो है वो आर्गूमेंट्स ले सकता है विदाउट आर्गूमेंट्स भी हो सकता है लेकिन देन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस देन देर आर अदर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट वी विल वरी अबाउट देर आर डिस्ट्रक्टर्स दैट वी विल टॉक अबाउट बट लेट्स जस्ट रिकैप वॉट वी टॉक अबाउट टूडे आज के लिए इतना काफ़ी है कि जी क्लास जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एक स्पेशल किस्म की है इसके अंदर डेटा मेंबर्स भी होते हैं और मेंबर फंक्शंस भी होते हैं आमतौर पे हम मेंबर फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं जो डेटा मेंबर्स हैं आम पे उनको हम प्राइवेट रखते हैं यूजिंग द प्राइवेट कीवर्ड, और जो उस मेंबर मेंबर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शंस होते हैं उनको हम पब्लिक सेक्शन के अंदर रखते हैं जो चीज़ क्लास के पब्लिक सेक्शन में होती है वो क्लास का इंटरफेस गिना जाता है और उसको हम बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं वो डेटा हो या फंक्शंस हो बट नॉर्मली वो सिर्फ फंक्शंस होते हैं जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको क्लास के तमाम डेटा तक एक्सेस है प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेंबर फंक्शंस कैन मैनिपुलेट द डेटा नॉन मेंबर फंक्शंस व्हिच मींस एनीथिंग आउटसाइड द क्लास इट्सल्फ हमारा प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, वो प्राइवेट वाले हिस्से को हाथ नहीं लगा सकता ना ही उसको देख सकता है ना ही उसको पता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है लिहाजा वी ट्राई टू सेपरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास फ्राम इट्स इंटरफेस and we will be concentrating a lot on the interface issues ab agli dafa ke liye ijazat dijiye. khuda hafiz.